सुन रहे मान गए, हेलीकॉप्टर नहीं दिया इसलिए वापस नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो और ये जो आपस का झगड़ा है ना, ये झगड़ा मिटा लेना चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को क्योंकि अब तक स्वीकार नहीं किया और वो भी कह रहे हैं नहीं किया तो फिर मैं हूं ही। मैंने पहले ही विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन ये सर्कस बन गया। कौन कहते हैं, कह रहे हैं सेटलमेंट हो गया कि मान गए, सुन रहे मान गए, हेलीकॉप्टर नहीं दिया इसलिए वापस नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं देने से जो वीडियो उनका एक देखने में आया था कि वो उनका पीएसओ आपदा में आ गया, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनाए। मैंने पहले ही विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन ये सर्कस बन गया और वो आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना श्रीमुख झूठ के अलावा कुछ सच पे भी खोले, अपनी आपसी फूट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें और प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, लोग जो परेशानी में हैं, उनकी मदद करने का काम करें। ये रोजाना जो पर्यटक बनकर के नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, वैसे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही। उस राहत पहुंचाने का काम प्रदेश के मुखिया को करना चाहिए और ये जो आपस का झगड़ा है ना, ये झगड़ा मिटा लेना चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को क्योंकि अब तक स्वीकार नहीं किया और वो भी कह रहे हैं नहीं किया तो फिर मैं हूं ही, तो फिर उनको खुल करके प्रदेश के इस आपदा की स्थिति में उनको काम करना चाहिए।